नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCX Shorgen के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्कैनर के बारे में, MetaTrader 4 के स्कैनर के बारे में, जिसमें कि आप बहुत सारे स्टॉक्स को, पूरी मार्केट वॉच की लिस्ट को स्कैन कर सकते हो, 200 से ज़्यादा सिंबल्स स्कैन कर सकते हो और स्कैन करके पता लगा सकते हो कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस तरफ है, कौन से स्टॉक में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है या क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्कैनर क्या होता है। दोस्तों, स्कैनर काइंड ऑफ स्क्रीनर भी कहते हैं इसको कई बार लोग। स्कैनर में ये होता है कि जितने भी सिंबल्स हमें स्कैन करने हैं, हमें अगर चाहिए कि हमें 50 सिंबल का इंफॉर्मेशन डेटा एक ही जगह मिल जाए, 50 सिंबल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए कि 50 में से कौन कौन से बाय में चल रहे हैं, कौन कौन से सेल में चल रहे हैं और किस में स्टॉप लॉस लगा, किस में टारगेट आया, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें एक ही डैशबोर्ड पे चाहिए तो उसे हम डैशबोर्ड स्कैनर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो अभी आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो एक डैशबोर्ड स्कैनर होगा, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि सारे सिंबल्स में किस तरीके से स्कैन करके वो चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा है पूरा परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है, किस में कौन से टारगेट्स अचीव हुए हैं, किस में स्टॉप लॉस लगा है, कैसे पता चलेगा स्टॉप लॉस टारगेट का, सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट और किस तरीके की परफॉर्मेंस हमारा स्कैनर जो है वो दे रहा है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये है स्कैनर। स्कैनर में इंट्रामैक्स स्कैनर इसका नाम है और इंट्राडे बेसिस पे सिग्नल्स जनरेट करता है और साथ ही साथ बताता रहता है कि किस में टारगेट, किस में स्टॉप लॉस, क्या चल रहा है। जब भी कोई नया सिग्नल आता है तो एक साउंड अलर्ट प्रोड्यूस होता है इसके अंदर और उस साउंड अलर्ट को देखने के बाद आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं। अभी मैं इसके फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसे किस तरीके से अप्लाई करना होता है और किस तरीके से हम अपने सिंबल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट वॉच की एक विंडो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये मैंने सब सिंबल लगाए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए ये दिख रहे हैं। आप चाहते हो भाई अपने हिसाब से, आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो अपनी मार्केट वॉच की विंडो को, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने डिज़ायर्ड सिंबल यहाँ पे वन बाई वन लगाने होंगे और वन बाई वन लगाने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो स्टार्टिंग में वही सिंबल दिखाएगा जो आपने पहले पहले लगाए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मुझे MCX के सिंबल गोल्ड मिनी, एल्युमिनियम मिनी, कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड और लीड और जिंक, इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे पहले मिले। सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे मान लो सबसे पहले चाहिए, तो मैंने ये सिंबल सबसे पहले ऊपर ऊपर लगा दिया। उसके बाद मान लो मैं चाहता हूँ मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी की इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी भी लगा देता हूँ और उसके साथ साथ निफ्टी भी लगा देता हूँ। तो ये तो हो गया चूज़ करने का कि कौन कौन से सिंबल्स पे मुझे चाहिए। मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे पूरे फ्यूचर का ही पता करना है, जितने भी फ्यूचर NSE के हैं सबका मेरे को उसके बाद डैशबोर्ड में सबका दिखना चाहिए, तो मैं सबको शो कर दूंगा यहाँ पे। अब ये सबको शो कर दिया तो ये इतने सारे सिंबल्स यहाँ पर आपको दिखाने लग गया। तो अब इन सिंबल्स में से कोई भी का एक का चार्ट हम ड्रैग करके साइड में ले आएंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और हम अपने स्कैनर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डबल क्लिक करेंगे स्कैनर पे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि कितने परसेंट का टारगेट वन रखना है, कितने परसेंट का टारगेट टू रखना है और स्टॉप लॉस कितने परसेंट का रखना है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको परसेंटेज जो है कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही चल रहा हूँ। तो जब हम ये चीज़ करने के बाद जब इसको ओके करेंगे तो ओके करने के बाद एक स्क्रीन दिखेगी और इस पर बहुत सारे सिंबल्स की इन्फॉर्मेशंस आनी शुरू हो गई। आप देख सकते हो कि अभी ये आपको बता रहा है किस में सेल जनरेट हुआ, किस में बाय जनरेट हुआ, क्या था उसके, ये पुराने सिग्नल्स की जो लिस्ट है वो उठा के ले आया है यहाँ पे। और ये सारे सिंबल के बारे में, किस में क्या अलर्ट आया था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है हमको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे हमें गोल्ड मिनी दिख रहा है, उसके बाद एल्युमिनियम दिख रहा है, उसके बाद कॉपर, देन क्रूड ऑयल, देन गोल्ड,
लीड जिंक जो सिंबल हमने लगाए थे वो सिंबल हमें सबसे ऊपर पहली रो में ही दिख रहे हैं। अभी आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हमने जो सिंबल नंबर ऑफ सिंबल्स लगाए वो तो कम से कम 200 हैं और जो स्क्रीन पे डैशबोर्ड में हमें दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ अभी यहाँ पर 25 ही हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने ऑप्शन दिया है नेक्स्ट और प्रीवियस करने का। बॉटम पे आप देखोगे नेक्स्ट का एक बटन दिखेगा और एक प्रीवियस का बटन दिखेगा। तो जब हम नेक्स्ट के बटन को प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे दिखने लगता है। ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो उससे अगला, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो उससे अगला, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो उससे अगला। इस तरीके से जितने जितने भी 25 सिंबल के हिसाब से जितने वो बने हैं उतने बॉक्सेस यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे सब चीज़ों के। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसमें बैक जा सकते हैं, प्रीवियस चार्ट देख सकते हैं और मतलब नए चार्ट भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए एक तो ये हो गया कि डैशबोर्ड किस तरीके से काम करेगा, ये तो डैशबोर्ड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। लेकिन डैशबोर्ड के अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि नॉर्मल चार्ट में भी क्या किस तरीके से दिखेगा, जैसे अब मैं यहाँ पर देखिए अमर राजा बैटरी का जो चार्ट है 568.60 रुपये का रेट चल रहा है, बाइक का सिग्नल आया था 561 रुपये पे। अब मान लो मुझे इसका चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये मुझे यहाँ पर उस चार्ट की सिंबल की इन्फॉर्मेशन आज की डेट की दे रहा है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एरो दिखा रहा है ये बाइक का एरो है और साथ में ये टारगेट वन है और सेकंड ये टारगेट टू है। तो टारगेट वन और टारगेट टू दोनों यहाँ पर अचीव हो गए। वापस से मुझे डैशबोर्ड पे जाना है तो वापस से मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये वापस मुझे इसी बॉक्स पे लेके आ जाएगा। अब करते हैं दोस्तों एक्यूरेसी की बात। तो यहाँ नीचे देखिए टोटल सिग्नल जो है 191 आए हैं, जिसमें से 69 में स्टॉप लॉस हुआ है, 97 में आपका टारगेट हुआ है। एक्यूरेसी दिखा रहा है 50%। जो ये 50% एक्यूरेसी है दोस्तों, इसको आप पूरी एक्यूरेसी नहीं समझ सकते क्योंकि अभी कुछ सिंबल्स का रिजल्ट आना बाकी है। जैसे कि टोटल सिग्नल्स आप देखेंगे 191 है, जिसमें से 97 में टारगेट लग चुके हैं और 69 में अभी स्टॉप लॉस लगे, यानी कि कुछ सिग्नल्स अभी बचे हुए हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। तो वो मार्केट ख़त्म होने के बाद हमें पता लग जाएगा अपने आप कि कौन से में प्रॉफिट हुआ, कौन से में लॉस हुआ। इसमें हमने एक कंडीशन और लगाया है कि मार्केट ख़त्म होने तक जब हम उसे चेक करते हैं तो जो जो सिग्नल हमारे प्रॉफिट में रहते हैं, मतलब कि टारगेट नहीं भी हुआ है लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे वो प्रॉफिट में हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सिग्नल्स आते हैं। अब एक नया सिग्नल आया तो 192 सिग्नल्स हो गए हैं, जिसमें से 69 पे स्टॉप लॉस है और टारगेट 97 पे, और अभी बाकी की परफॉर्मेंस बाकी है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइव रेट्स भी आपको फ्लक्चुएटिंग दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि रियल टाइम लाइव रेट है, आपको लाइव रेट देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो फंक्शन के साथ F11 की, यानी कि F11 की जब प्रेस करेंगे, कुछ लैपटॉप्स में फंक्शन के साथ होती है, कुछ में नॉर्मल हो जाती है, तो जब आप F11 प्रेस करेंगे तो ये आपका पूरे डैशबोर्ड पे आ जाएगा, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। आप आराम से इसको वॉच कर सकते हैं, अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, पीछे आगे करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। ग्रे कलर के जो इसमें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उन सिंबल्स में स्टॉप लॉस लगा है। ब्लू कलर के जो हैं वो टारगेट के हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी में ये दिख रहा है। जिसमें रेड कलर की बार आ रही है वो आपका यहाँ पर जो ये रेड बार आपको दिखाई दे रही है वो उसमें सेल का सिग्नल है, जिनमें ब्लू बार है वो बाय के सिग्नल है। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्कैनर काम करता है। आप देखिए 2-3 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए हमारे यहाँ से और इसको यूज़ करके देखिए, तब आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा क्या चार्ट से आसानी बुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंट्राडे बेस्ड का स्कैनर है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करेगा, आपको कल के लिए पोजीशन ले जाने के लिए कोई इशू नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगले दिन के ले जाने का झंझट इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इंट्रामैक्स स्कैनर काम करता है। अगर आप चाहते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन लेना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी www.mcxshorgain.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे और आपको इन डेमो का इंस्टॉलेशन कर देंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही वीडियोज़ डलते हैं और हम अलग अलग परफॉर्मेंस वाले इंडिकेटर्स या अलग अलग टिप्स या ट्रिक्स के बारे में मेटाट्रेडर 4 की अपने चैनल पे बात करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।